प्रतापगढ़ के धरियावद में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर निशाना साधा है। इस मामले में हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने सतीश पूनिया से खास बातचीत की। प्रश्न ये उठता है कि ऐसी घटनाएं क्यों हुई और इतनी घटना करने की हिमाकत कैसे हुई, ये अपने आप में इस बात को पुष्ट करता है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था खत्म हो गई, लोगों में अपराध के प्रति नजरिया बदल गया, उनका पुलिस का भय खत्म हो गया, राज का भय खत्म हो गया। इस तरीके की घटनाएं, इतनी पराकाष्ठा की घटनाएं तभी होती हैं जब सरकार का इकबाल खत्म होता है। राजस्थान उन राज्यों में है जहां सर्वाधिक अपराध हैं और सर्वाधिक महिला अपराध हैं, सर्वाधिक दलितों वंचितों के प्रति अपराध हैं। प्रश्न यह है कि पिछले 5 वर्षों में 6000 इस तरीके की उत्पीड़न की घटनाएँ क्यों हुई, 17 बलात्कार क्यों होते हैं, 7 हत्याएँ क्यों होती हैं, कोई महिला सुरक्षित नहीं, कोई दलित वंचित सुरक्षित नहीं, कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं, ये उसी की वानगी है। सरकार मुझे लगता है कि नैतिक साहस खो चुकी है। एक वीडियो वायरल हुआ था, आप भी उस वक्त सदन में मौजूद थे जब इन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों ने आपके खिलाफ नारेबाजी की थी, सदन के वॉकआउट तक की इन्होंने कोशिश की थी मणिपुर वाले मामले को लेकर। अब वो जो वीडियो आया है वो कहीं ना कहीं उससे तुलना नहीं कर सकते, लेकिन ये जो वीडियो है वो राजस्थान की धरती से आना, खुलेआम नंगा एक आदिवासी महिला को घुमाना और उस राज में जो अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बताती हो, दलितों का हितैषी बताती हो, इसको लेकर भाजपा का क्या एक्शन रहने वाला है? मैं पूछना चाहता हूं कि लड़की उलट सकती हूं वाली प्रियंका गांधी क्या उनकी असमत के लिए, उनको संबल देने के लिए आएंगी? क्या राहुल गांधी अब आंसू बहाएंगे या यात्रा निकालेंगे? इस तरीके की घटनाएं देश में कहीं भी होती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राजस्थान में ये घटना पहली बार हुई है और राजस्थान की सरकार की, मुख्यमंत्री की, गृह मंत्री की नैतिक जिम्मेवारी है। ये थे उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि प्रतापगढ़ में जो घटना हुई वो शर्मसार करने वाली है, सभ्य समाज को शोभा नहीं देती और एक बार फिर बीजेपी को मौका मिला है गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था पर हमला करने का। वीडियो जमाल खान के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, सवाई माधोपुर।